जिमनास्टिक्स को लेके कभी कभी लगता है कि अगर न छोड़ा होता तो मैं शायद इंटरनेशनल प्लेयर बन गया होता उसमें। अच्छा, अरे वाह। 37वीं क्लास में डिस्ट्रिक्ट की तरफ से स्टेट खेलने गया था। उस समय को लेके कुछ रिग्रेट्स हैं आपके, जैसे आपको सुन के ना मुझे, या और जो साथी जो आते हैं स्लो इंटरव्यू में, तो आप और मैं एक ही समय में भारत में बड़े हुए, और मैं भी बोलना वोलना पसंद करता था वगैरह वगैरह, तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्यों नहीं गया। फॉर एग्जांपल, मैंने से म्यूज़िक नहीं सीखा, सीखना अभी भी एक अफसोस है। मैं अपनी बेटी का क्लासमेट बनना चाहता हूँ सर, तो उसकी उस क्लासेस शुरू होने वाली हैं। संगीत नहीं सीखा। स्पोर्ट्स में हम लोग स्कूल 3 बजे ख़त्म होता था नैनीताल में, उसके बाद स्पोर्ट्स होता था, और वो ज़्यादातर बोर्डर्स करते थे, हम लोग डे स्कॉलर्स अपना चले आते थे। रुक जाता अगर तो स्पोर्ट्स 5 बजे आया था वापस, पर उस हालांकि ये तो अलग अलग रास्ते हैं, ये नहीं तो वो सही वगैरह वगैरह, पर आपके कुछ रिग्रेट्स हैं, कुछ रह गया छूट गया? मतलब बहुत टेंशन वाला रिग्रेट तो एकदम नहीं, कि मैं स्ट्रेस हूँ, लेकिन अगर मैं मुझे आज की समझदारी के साथ फिर से बचपन मिल जाए तो मैं तो साइंस और मैथ्स को ठीक से पढ़ूंगा। मुझे लगता है कि इस दुनिया के अंतिम रहस्य जब भी खुलेंगे, ना धर्म खोलेगा ना दर्शन खोलेगा, वो विज्ञान ही खोलेगा। बिल्कुल। और मैंने विज्ञान को उतना ठीक से नहीं पढ़ा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी। अब मैं कहीं कहीं पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत, जितना मुझे चाहिए होता है। दूसरा म्यूज़िक वाला मुझे भी रिग्रेट है। मैंने मंच पर सारी गतिविधियाँ की, म्यूज़िक नहीं की, जबकि हमारे पेरेंट्स ने बड़ी कोशिश की। एक टीचर हमारे घर पे सिखाने आते थे, हारमोनियम मैंने थोड़ा बहुत सीखा भी था, पर उस समय मन नहीं होता था सीखने का। अब लगता है, अब मैं जो बड़े भाई हैं मेरे हैं, वो आजकल म्यूज़िक सीख रहे हैं क्लासिकल। और अभी वो 4 दिन पहले गए हैं दिल्ली से, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं म्यूज़िक सीखूँ, किसी टीचर से सीखना शुरू करूँगा। वो दिमाग में है हम लोगों के। इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है, माउथ ऑर्गन हो, फ्लूट हो, कोई ऐसा छोटा इंस्ट्रूमेंट जो आप कैरी कर सके साथ में। वोकल मेरा गला उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम लय इतनी हो कि खुद भी गाऊं तो खुद को खराब ना लगे, कम से कम इतना तो हो। दूसरों के लिए स्वांतर सुखाए। स्वांतर सुखाए। जिमनास्टिक्स को लेके कभी कभी लगता है कि अगर न छोड़ा होता तो मैं शायद इंटरनेशनल प्लेयर बन गया होता। अच्छा, अरे वाह। हाँ, मतलब मेरा जिमनास्टिक्स काफ़ी ठीक था अपनी उम्र के हिसाब से। मैं 6वीं 7वीं क्लास में डिस्ट्रिक्ट की तरफ से स्टेट खेलने गया था, और कम से कम 2 बार तो मुझे ध्यान है, एक बार कुरुक्षेत्र में टूर्नामेंट हुआ था, एक बार रोहतक में हुआ था, मैं दोनों जगह खेलने गया था, और वहाँ भी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस है स्टेट लेवल पर भी, पर उतना मज़ा नहीं आता था जो क्रिकेट में रोमांच होता, वो रोमांच जिमनास्टिक्स में नहीं होता। उस समय बच्चे तो फैसले रोमांच से करते हैं, अब छोड़ना है तो कैसे घर में बोलूं छोड़ना है। तो एक बार मैं रिंग्स पे था, रिंग होता है वो, 2 रिंग्स पे आपको मतलब स्टैंड स्टिल पोजीशन में खड़े होना होता है, मतलब रिवर्स खड़े होना होता है। एक बार ऐसा हुआ कि रिंग्स में अचानक चोट लगी और मैं नीचे गिर गया। अच्छा। और पेट में दर्द भी हुआ, 1-2 दिन मतलब ऐसा भी हुआ कि गंभीर चोट है, दवाई वगैरह थी नहीं, गंभीर चोट, 2 दिन का मामला था। पर मुझे लगा ठीक, मौका मिल गया, तो मैंने कहा कि अब मुझे क्लासिक्स में डर लगता है, चोट लग जाएगी, अब इसके बाद पेरेंट्स भी क्या बोले। तो अब लगता है कि अगर कंटिन्यू कर लिया होता तो शायद मैं इंडिया की टीम से खेल पाता। स्कूल लाइफ में मेरा एक जूनियर था, वो खेला इंडिया की टीम से उसके बाद। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था वो, 1 साल जूनियर था, काफ़ी अच्छा दोस्त था, उसने कंटिन्यू किया, वो जर्मनी और कई देशों में खेलने गया भारत की तरफ से। और भिवानी तो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा शहर है, अभी तो बॉक्सिंग में जितने लोग हैं सब वहीं से निकलते हैं, कबड्डी में स्पेशली। तो बड़ा ऐसा क्यों? एक तो हरियाणा है, हरियाणा में कबड्डी वगैरह का माहौल है, फिजिकल माहौल है। जी जी। दूसरा, जैसे एक हब बन जाता है, एक अच्छा स्टेडियम है वहाँ, कुछ अच्छे कोचेज हैं, जैसे 1-2 बार प्लेयर्स निकले तो फिर सबका अट्रैक्शन हुआ, फिर वो हब बनता गया। ये रिसेंट बात है, हमारे टाइम पे इतना
उसमें बॉक्सिंग में कबड्डी में नहीं था, अब ज़्यादा हो गया है वो।